रूस ने शहर में घेराबंदी कर दी है। इस घेराबंदी के बाद मारियोपोल में बिजली, पानी और गैस की सप्लाई बंद हो गई है। राजधानी कीव में कब्जा करने में असफल रहे रूस के निशाने पर यूक्रेन का मारियोपोल शहर क्यों है? यहां कब्जा करके रूस क्या साबित करना चाहता है और इसके क्या मायने हैं? ये समझने के लिए मारियोपोल शहर को जानना होगा, इसके भूगोल और इतिहास को समझना होगा। मारियोपोल यूक्रेन का बंदरगाह शहर है। अजोव सागर के तट पर बसा मारियोपोल यूक्रेन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। रूस से हथियार कर इस बंदरगाह से होने वाले व्यापार पर कब्जा करना चाहता है। ऐसा करके रूस आर्थिक तौर पर यूक्रेन की कमर तोड़ना चाहता है। इतना ही नहीं, पुतिन मारियोपोल पर कब्जा करके एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में है। पूर्वी हिस्से का डोनेस्क और लुहांस्क पहले ही रूस समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण में है। अगर रूस मारियोपोल पर कब्जा कर लेता है तो वो इन दोनों क्षेत्रों और खुद के नियंत्रण वाले क्राइमिया के बीच सड़क मार्ग स्थापित कर पाएगा। रूस ने 2014 में क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। मतलब ये कि रूस अपने मंसूबे में सफल होता है तो यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह मारियोपोल पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि रूस का ये सपना आज का नहीं है, वो 2014 से यही चाहता है, जिसे वो अब अंजाम दे रहा है। लेकिन यूक्रेन की सेना जान की बाजी लगाकर शहर को अब तक रूसी कब्जे में जाने से बचाने में कामयाब है। मारियोपोल में विध्वंस बढ़ता जा रहा है, अब तक 40,000 लोग शहर छोड़ चुके हैं। रूस ने किस हद तक मारियोपोल में घेराबंदी की है, इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बयान से समझा जा सकता है। नौ रसीस्किह प्रोपागेंडिस्टव सिवोध्या довольно сложная задача, ведь впервые в истории президент иностранного государства выступал в Кнессете по видеозаписи и перед народом Израиля. Президент Украины, которого в Москве обвиняют в нацизме, выступал в Кнессете перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, насколько в Москве... तो दोनों देशों के बीच में जारी युद्ध का आज 32वां दिन है। ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे युद्ध की तारीख बढ़ती जा रही है, परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई बार परमाणु हमले की धमकी खुद पुतिन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। धमाके भी बहुत छोटे हैं। अगर विश्व युद्ध होगा तो धमाके भी उतने ही बड़े होंगे, जोरदार होंगे। तोप के गोलों से लेकर मिसाइल के हमलों तक और फिर नॉबल न्यूक्लियर अटैक तक आ सकती है, क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग अगर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ी तो उसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर युद्ध की बातें ख्याली बातें नहीं, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। खुद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत फेल हो गई और सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए तो यूक्रेन में चल रही लड़ाई दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाएगी। They'll children. You cannot reverse this situation anymore. So you cannot just demand from Ukraine to recognize some territories as independent republics. These compromises are simply wrong. I cannot recognize, firstly, as a president, secondly, as a citizen, and thirdly, you cannot force people to love the enemy. That's impossible. What you can do is to make a pause and just decide on how we are going.
ज़ेलेंस्की ने जब विश्व युद्ध का जिक्र किया तो उधर ब्रिटेन से ऐसी तस्वीरें आने लगी जिससे साबित होता है कि पूरा यूरोप इस वक्त बारूद नहीं परमाणु बम के ढेर पर बैठा हुआ है। ये ट्रक देखिए, ये ब्रिटेन की सेना के काफले का हिस्सा है। रिपोर्ट है कि इस ट्रक में 6 न्यूक्लियर बम ले जाए जा रहे हैं। लोकेशन है ब्रिटेन का ग्लासगो सिटी सेंटर। ये न्यूक्लियर बम रॉयल नेवी के आर्म्स डिपो में ले जाए जा रहे हैं। पूरे यूरोप में इस वक्त परमाणु अलर्ट जारी है क्योंकि रूस ने भी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर के करीब स्लोवाकिया में अपना एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट भी तैनात कर दिया है। इससे रूसी विमानों और छोटी दूरी के मिसाइलों को रोका जा सकता है। यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने के लिए तो नेटो तैयार नहीं हुआ, लेकिन रूस के खतरे को देखते हुए उसने अपनी तैयारी तेज कर दी है, जिससे शक होता है कि ये जंग यूक्रेन के आगे भी बढ़ सकती है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की वार्निंग और यूरोप में परमाणु बम की मूवमेंट, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। मामला कितना ज्यादा गंभीर है, इसे रूस की उस मिसाइल हमले से समझा जा सकता है जिसे पुतिन रूस का सबसे खतरनाक हथियार बता चुके हैं। देखिए रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का यूक्रेन के मिलिट्री अड्डे पर अटैक। организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. व्लादिमीर पुतिन बहुत साफ साफ शब्दों में कह चुके हैं कि रूस एक बड़ी परमाणु पावर है और उनकी इस बात को अगर रूस की केंजल मिसाइल से जोड़ा जाए तो खतरा एक नई बुलंदी पर पहुंच जाता है, जिसका नतीजा यूक्रेन, यूरोप या रूस ही नहीं दुनिया को तबाही तक ले जा सकता है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल केंजल कैसे इसका ट्रिगर पॉइंट बन सकती है, अब वो देखिए। किंजल मिसाइल को रूस ने पिछले कुछ वर्षों में तैयार किया है। ये रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट MiG-31 से दागी जाती है। MiG-31 खुद आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। ये MiG-25 का नया वर्जन है जो कभी रूस का एक टोही विमान था। MiG-25 भारत के पास भी था और ऐसे 8 फाइटर जेट बरेली एयरबेस पर तैनात थे। अभी MiG-31 रूस की स्ट्रैटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल के खतरे को तफसील से समझिए। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रूस की इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति मिनट। ये मिसाइल 2,000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ